सिकंदर का आता पता है तो यहाँ पे फोर्स भेज दो। हाँ, पर फिलहाल वो वहां पे नहीं है। लेकिन कोई तो होगा जिसने इसको देखा होगा। एक बात समझ में नहीं आ रही, ये इतना सीक्रेट मिशन हैंडल कर रही थी तो इंटेलिजेंस की इसके ऊपर नजर तो होगी। किस उल्लू के पट्टे ने नजर रखी होती उसके ऊपर? उल्लू के पट्टे के नहीं, उल्लू के पट्टे के मैं। सॉरी, तो तुम्हारी जॉब खतरे में कह सकते हैं। क्या कर सकता हूँ? विनीता ने ओल्ड प्रोटोटाइप और फाइनल डिजाइन दोनों को कॉपी किया था और हमारे सोर्स के मुताबिक पड़ोसी मुल्क के हाथ में सिर्फ प्रोटोटाइप लगा है, फाइनल डिजाइन नहीं। पर फाइनल डिजाइन को कॉपी तो किया गया था, मतलब वो लीक हो सकते हैं। मैं क्या कर सकता हूँ? तुम्हें उस पेन ड्राइव को ढूंढना है जिसमें विनीता ने कॉपी किया था। ठीक है, मेरी टीम को भेज देता हूँ। नहीं, तुम क्या कर रहे हो और क्या ढूंढ रहे हो तुम्हारी टीम को पता नहीं चलना चाहिए। मतलब ये, तुम पेन ड्राइव ढूंढोगे और तुम्हारी टीम प्रोफेसर की मिसिंग कंप्लेंट पे काम करेगी। पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आज तक मैंने मेरे टीम से कुछ बात छुपाई नहीं। पॉसिबल नहीं है, बट ये करना पड़ेगा, छुपाना पड़ेगा। सुनील, समझने की कोशिश करो। अगर हनी ट्रैप वाली बात लीक हो गई तो हमारे देश का नाम बदनाम हो जाएगा। ये बात किस किस को पता है? डॉक्टर धीरज, वो उसी कॉलेज के प्रिंसिपल है जहाँ विनीता कपूर रिसर्च करती थी, और पहले वो हमारे साथ ही काम करते थे, और इसीलिए विनीता को उस कॉलेज में जगा दी गई ताकि उस पर एक नजर और रह सके। सुनील, ये विनीता की मिसिंग कंप्लेंट की फाइल है। अच्छा, कंप्लेंटेंट कौन है? विनीता का बेटा आदित्य कपूर। सुनील, मैं तुम पर बहुत भरोसा करके यहाँ पर आई हूँ। डोंट वरी, आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट। कुछ भी पता लगे तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म करना। बाय। सलाम वालेकुम बड़े भाईजान। वो हमारे पासपोर्ट का क्या हुआ? हाँ, वो भी मेरे साथ ही है और वो भी यहाँ से वहां आना चाहती है। बड़े भाईजान, जल्दी कुछ करना होगा। और यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है, हम कब तक ऐसे छुपते रहेंगे भाईजान? जी ठीक है, अल्लाह हाफिज। तुम टेंशन मत लो, दो दिन में हमारे पासपोर्ट मिल जाएंगे। अरे बैठो बैठो। विनीता कपूर, LJ कॉलेज ऑफ साइंस की फिजिक्स की प्रोफेसर, मिसिंग है, केस हमें सौंपा गया। मिसिंग केस SID को? ऊपर से ऑर्डर है खान, कोई इन्फ्लुएंसिंग लेडी होगी। सर, या चाहनो को, ये तीनों मिलके केस हैंडल कर देना। ये और आप? मेरा जरा पर्सनल काम है। सर कौन सा? क्या तुझे क्या करना है? उनका पर्सनल काम है ना ये। फाइल ले रखे। हाँ, विजय पर काफी कर्जा था, लेकिन कोई लेनदार अपने कर्जदार को मरवाकर हासिल क्या करेगा? बात कुछ और ही लग रही है सर। सर, भाटिया भी यही कह रहा था। जब मैंने उसे कॉल किया तो बोल रहा था इसके सारे पैसे डूब गए इस विजय के मरने से। हो सकता है इस केस में कोई ऐसा इंसान इन्वॉल्व है जिसे पैसे से ज्यादा बदला लेने में इंटरेस्ट हो। ये विजय का PA घनश्याम, उससे कॉन्टेक्ट करो और सारे लेनदारों की लिस्ट निकलवाओ। और ये भाटिया, इसको क्लीन चिट नहीं दे सकते, इस पे भी नजर रखो। हाँ जी सर। सर, ये विजय की बीबी उर्वशी और उसकी स्वतन विभूति, दोनों में कमाल की एडजस्टमेंट है। लेकिन एक बात खटक रही है सर, जिस दिन पति गायब हुआ दोनों बीवियां किसी बाबा के साथ बैठ के भजन कर रही थी। यही बात तो मुझे भी हजम नहीं हो रही कमलेश। ठीक है, इन दोनों पे नजर रखते हैं, लेकिन इस समय हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये पता लगाना है कि 8 मई से 12 मई तक विजय था कहाँ पे। अगर ये पता चल गया तो इस केस की काफी कड़ियां जुड़ जाएगी। विजय के पास कार कौन सी थी? नोवेला की SUV थी। इन कारों में तो GPS होता है। करेक्ट। एक काम करो, विजय के कार के 8 से 12 मई तक के GPS कोऑर्डिनेट्स निकलो। रुक 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 ए लड़के रुक रुक
निकाल। मेरा भाई घर पे अकेला है, उसे भूख लगी थी बस इसीलिए। अरे बॉस सुनी से दर्द भरी कहानी, रुक अभी पुलिस को बुला। नहीं 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 प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, पुलिस को मत बुलाइए प्लीज। क्या हो गया? देखिए ना मैडम, दुकान से सामान चोरी करके भागी है। आप दीदी प्लीज मुझे बचा लीजिए दीदी, मुझे पुलिस के पास नहीं जाना, मेरे भाई का मेरे अलावा कोई नहीं है दीदी, मुझे नहीं जाना पुलिस में। आप इस लड़की को छोड़ दीजिए, चोरी किए हुए सामान के पैसे। दरअसल मैं एक एनजीओ चलाती हूँ, आप इस लड़की को मुझे सौंप दीजिए। ठीक है मैडम, आप कहते हैं तो मैं छोड़ देता हूँ, चल रहा हूँ। ये लो। थैंक यू दीदी। नाम क्या है तुम्हारा? गायत्री। बड़ा प्यारा नाम है, अब रोना बंद करो, चलो मेरे साथ। हाँ कमलेश बोल, कौन सा बैंक? PIC। ठीक है मैं आता हूँ। मैं आप पे मेटल हैरेसमेंट का केस कर दूंगी, आप मुझे ऐसे परेशान नहीं कर सकते हैं। ऋषि जी आप यहाँ? हाँ इंस्पेक्टर साहब, ये बैंक वाले फ्रॉड हैं, इन्होंने मुझे नोटिस भेजी कि विजय ने इनसे 10 करोड़ का लोन लिया था। सर लोन लिया था, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद है। ये झूठ बोल रहा है, विजय का तो PIC बैंक में कोई अकाउंट भी नहीं था। अकाउंट था सर, मैं सारे पेपर दिखा सकता हूँ। 5 मई को विजय ने अकाउंट खोला, मतलब उसके गायब होने के 3 दिन पहले। ये देखिए उसके सिग्नेचर्स। ये सिग्नेचर तो विजय के ही हैं। आप खुद देख लीजिए सर, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, लोन एप्लीकेशन फॉर्म और सारे आईडी प्रूफ्स, आप भी देख लीजिए मैडम। एक मिनट, मतलब 5 मई को अकाउंट खोला गया है, 6 मई को लोन डिस्पर्स हुआ यानी 10 करोड़ रुपए अकाउंट में आए, और 7 मई को ये अमाउंट किसी और अकाउंट में चला गया। इंस्पेक्टर साहब एक मिनट, ये फोन नंबर 444-758-642 ये विजय का नहीं है। ये फ्रॉड का केस लगता है, क्योंकि जिस आदमी का ये अकाउंट है उसका मर्डर हुआ है कुछ दिन पहले, वो भी आपके बैंक में अकाउंट खुलवाने के 1 हफ्ते के अंदर। कमलेश जी सर, हमें साइबर यूनिट को इन्वॉल्व करना होगा। ओके सर, वो टेलीकॉम कंपनी से कंफर्मेशन आ गया है, फोन नंबर 444-758-642 विजय खन्ना का ही है जो PIC बैंक में अकाउंट खोलते वक्त दिया गया था। ठीक है, तो टेलीकॉम कंपनी से ओरिजिनल फॉर्म्स और डॉक्यूमेंट्स निकलवाओ जो सिम लेते वक्त विजय ने सबमिट किया होगा। बोल दिया सर, 1-2 दिन में आ जाएगा। सर ये विजय की कार का GPS रिकॉर्ड। आठ मई से 11 मई तक कार की कोई मूवमेंट ही नहीं हुई, मतलब कार किसी एक ही जगह पर खड़ी थी, हो सकता है उसी जगह जहां विजय को रखा गया हो। सर यहां से 10 मिनट की दूरी पर है। फॉर मोर अपडेट्स subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.